जो एलएसडी है, जो लंपी स्किन डिसीज है, ये जानवरों में फैल रही है, पशुओं में फैल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ स्तनपाई जीवों में फैल रही है या हर किस्म के पशुओं में इसका जो लक्षण है वो देखे जा सकते हैं। ये एक पॉक्स वेडी फैमिली का जीव है, वायरस है, जिससे ये गाय और भैंसों में ये बीमारी फैल रही है। सर क्या ये जो बीमारी है ये कम्युनिकेबल है? देखिए, ये जो कीड़े होते हैं इंसेक्ट्स, ये कीड़ों से जो है एक से दूसरे जानवर में ये फैलती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि यदि किसी पशु को एलर्जी या लंबी स्किन डिजीज हो जाता है तो आप उस पशु को अलग रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से जो है कीड़े जो है उसको ना काटें, क्योंकि यदि उससे कीड़े दूसरे जानवर पर, हेल्दी जानवर पर जाएंगे तो उन्हें भी ये बीमारी हो जाएगी। और ये जो बीमारी है इससे क्या, जैसे कि स्तनपाई जीव है तो जो दूध है उससे इंसानों को भी खतरा है अगर वो उसको कंज्यूम करेंगे या फिर उसका सेवन करेंगे तो? देखिए, जानवर यदि बीमार होता है ना तो वैसे भी उसको और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसा कि इंसानों में तो ये बीमारी का ऐसा नहीं है, बाकी दूसरा दूध उबालते ही है, उबालने में ये पाश्चराइजेशन से भी बेहतर होता है उबालना। उबालते हैं हम लोग दूध तो उबालने पर भी जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इंसानों में ये बीमारी होती है। सर इसका कोई उपाय है? उपाय यही है कि जैसे ही बीमारी हो जाती है तो पशुओं को, जिस पशु को ये बीमारी हुई है उसको अलग कर रहे हैं बाकी पशुओं से।